तो जी गाइस, अभी हम पहुँचे हैं नमाज पढ़ने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईदगाह है, तो इस तरह यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। आजा मेरे पास आजा ना। ओ तेरी बातें समझती है आज। 50 रुपए पे लड़ाई। मुझे ईद ही मिली 50 रुपए। ये देखो, ये मेरे अपने 50 रुपए। तो गाइस ये देखें, ये ईदी के लिए तैयार हो रहा है अभी। तो पापा जी खुद तैयार करते हैं, ये देखें। तो किसको पूछा? हाँ जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सालिका के पास पहुंच गए। एंड सालिका जो है आज ईद के ही दिन बीमार हो गई। आपने नए कपड़े क्यों नहीं लगाए? जाओ दफा। देखो कैसे कैसे भिखारी है हमारे घर पे। मैं आऊंगा तो फिर हाथ उठेगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी नीचे आ जा, बात करनी है। मैं बोल रहा, अगर गाड़ी आती तो अभी हमें गांव में भी घूमना है। अभी हमें ईदी भी लेनी है, तो ईदी हम ज़रूर लेंगे, सबसे लेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। तो गाइस व्लॉग आ चुका है, जाके देखिए। तो अभी मैंने जस्ट अपलोड किया है, तो बड़ी मुश्किल से अपलोड हुआ है क्योंकि रात भर में जागा रहा। तो आप देख सकते हो मेरी आँखों की हालत, मैंने ज़रा भी नींद नहीं की सुबह तक, फिर बराबर फजर तक। तो उसके बाद हमने चाय पी एंड अभी जस्ट बाहर निकला, तो मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी मैं जाता हूँ नहाने। तो पहले फ्रेश होके नमाज को जाते हैं, हमें ईद नमाज पढ़नी है। तो पहले जाते हैं ईद नमाज पढ़ने, जो कि 8 बजे है, जो कि हमें जाने हैं नीचे ईद नमाज़ पढ़ने। तो गाइस पहले मैं नहाता हूँ, उसके बाद मैं ईद नमाज़ के लिए जाता हूँ। तो देखते हैं आज क्या रहेगा, एंड आज आपको दिखाऊंगा विलेज में कैसे ईद मनाते हैं, और ईदी भी लेनी है सबसे। ईद मुबारक। तो जी गाइस, अभी हम पहुँचे हैं नमाज पढ़ने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईदगाह है, तो इस तरह यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। कि माहे मुबारक अंदर से अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलियल अजीम बिनिय करो शेय जय तकबीर त्रय तकबीर अल्लाह हू अकबर अहतन निशनिंत। हां जी गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज हो गई थी। गाइस अभी मैं क्या पी रहा था आपको बता दें, तो ये मैंने दूध और पानी मिक्स किया था, तो यही पी रहा था। क्योंकि जब मैंने नहाया तो फिर क्या सीन हुआ, मुझे सुबह से ये लग रहा था कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड यहाँ से नमाज का भी टाइम हो रहा था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैंने जल्द जल्दी दवाई ली, और तब तक फिर ठीक रहा नमाज तक। एंड फिर उसके बाद फिर से यही प्रोसेस करना पड़ा, पानी और दूध मिलाना पड़ा। तो गाइज़ ये रोज़ों में भी यही प्रॉब्लम मुझे हुई, तो इसी कारण बहुत सारी मुश्किलात मुझे हो गई। तो जी यहाँ पे मिट्टू है, मिट्टू क्या कर रहा है? तो जी ये मिट्टू जब मैंने आपको दिखाया था तब तो ये छोटा था, काटने का दौर है, लेकिन काटता नहीं है, अच्छा हो गया है। आजकल ये बातें भी करता है, जब सीटी बजाते हैं तो तभी आता है। देखें मेरे साथ मेहरू है, मेहरू के साथ मिलेंगे आप। अच्छा मेहरू, ये देखिए ये मेहरू है। मेहरू सलाम करो। हाँ जी, हाँ अभी बाहर ही हूँ, तो फिर भी जाते हैं थोड़ा बहुत, जब मुझे लगेगा फीलिंग बेटर तो उसके बाद मैं जाता हूँ गांव में, तो फिर देखते हैं, मज़ा लूटते हैं फिर ईद का।
अच्छा रखो वहीं पे, अच्छा आपने नए कपड़े क्यों नहीं लगाए? अच्छा ये मेहरू अभी तक सोई थी तो अभी उठ गई है, तो जाओ आप कपड़े लगाओ नए, ठीक है? तो गाइस ये देखें, ये ईदी के लिए तैयार हो रहा है अभी, तो पापा जी खुद तैयार करते हैं, ये देखें, तो पापा जी खुद पसंद करते हैं तैयार करना, तो ये देखें ये स्पेशल ये खुद करते हैं तैयार, तो इसीलिए लगे हुए हैं। गाइस कैसा हो रहा हूँ मैं ये लगा कर, ये देखें तो मुझ पे कैसा हो रहा है आप बता दे, स्पेशल ईद पे, ये देखें। तो अभी हमें गांव में भी घूमना है, अभी हमें ईदी भी लेनी है, तो ईदी हम ज़रूर लेंगे, सबसे लेंगे। तो गाइस अभी पापा जी से भी लेंगे एंड यहाँ पे जो भी बड़े हैं ना उनसे सबसे लेंगे ईदी, क्योंकि मुझे ईदी इस बार चाहिए। पिछली बार ईदी ईद थी तो उस बार सबने बोला नहीं आपको ईदी नहीं मिलेगी, आप बड़े हो गए, इस बार मुझे ईदी चाहिए। तो और हाँ गाइस आपको भी बोलता हूँ, आप मुझे ईदी दें इस बार बस। पता नहीं क्या वो क्या वो रही, हाँ क्यों भीख मांग रही हो? वहाँ पे कटोरा डाल आपको। नहीं वहाँ पे कटोरा डाल, नहीं वहीं पे डाल, आप ही मांग रही हो ना, आप ही मांग। मैंने कहाँ से चुराए, मुझे अपने, ये देख मुझे ईदी मिली 50 रुपये, ये देखो ये मेरे अपने हैं 50 रुपये, ये बोरे ये मेरे हैं। चलो हो गए 50 रुपये पे लड़ाई। तो गाइस आप देख सकते हो 50 रुपये पे लड़ाई। सुषमा क्या शोर है बिस्मा? बेचून जाओ दफा, देखो कैसे कैसे भिखारी है हमारे घर पे, जाओ 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 जाओ। भाई मेरी जान इसने ले ली थी 50 पे, जान बच गई लाखों पर, भाई वैसा हाय हाय। चलो भाई मैं बच गया, 50 पे इस औरत ने मेरी जान निकाल दी। गाइस जो कैमरा है ना वो मैंने उस दिन ठीक करा के लाया था एंड फिर उसके बाद जो उसका चार्जर है वो ख़राब हुआ था। ये देखें तो इसको ठीक कराते हैं, पहले मेरे अंकल जो है ये ठीक करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो सेल लगती है यहाँ पे, अब देखते हैं क्या होगा। तो हाँ जी गाइस अभी हम जा रहे हैं 12 सालिका के घर, तो उसकी याद आ रही थी, तो अभी हम जा रहे हैं मैं पापा और आजिम, तो वहीं ये देखें 12 मार्केट पूरा खाली है, ये देखें। आजा आजा सलीका, आजा मेरे पास आजा ना, ओ तेरी बातें समझती है आज, सलीका आजा मेरे पास, आजा आजा मेरे पास, आजा 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 मामू के पास। हाँ जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सालिका के पास पहुंच गए एंड सालिका जो है आज ईद के ही दिन बीमार हो गई, तो मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी लेकिन सालिका कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं है। हाँ मेरा जो तो आज बहुत टाइम बाद सालिका के साथ मिले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है सालिका बड़ी हो गई है और समझदार भी। सालिका सालिका आज बातें समझती हो आप हैं? पता है सालिका को एक नात पसंद है, वो मुस्तफा। बड़े फिक्रे दुनिया की
चल मदीने चलते हैं मुस्तफा के, क्या फिर गुलामों का किस्मत बदलते हैं। मुझे कुछ उधर इधर हो जाएगा तो पूरी नात मुझे याद नहीं है, लेकिन ये नात सालिका की फेवरेट है और सालिका जब रोती है तो इस नात के साथ चुप हो जाती है ना सालिका। तो ये खुद भी गाती है, जब इसको मम्मा गाती है ना या मैं गाऊंगा तो ये चुप हो जाती है, खुद भी गाती है। ये लो गाओ। ये देखो क्या बाइट कर रही है। अच्छा है, आजा सालिका, आजा। तो हाँ जी गाइज, वेलकम बैक होम अगेन। तो गाइज हम घर आ चुके हैं, तो अभी हमें 10 आधा घंटा हो गया है घर आ चुके हुए। तो आपने देख लिया क्या, यहीं पे था मैं दिन भर, इस गेट से बाहर नहीं निकला क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, ईद के दिन मैं बीमार हुआ। तो गाइज मुझे लगा सब जगह ईद होगी, लेकिन आज मुझे दिल्ली से कॉल आई मौली साहब की, उसने फिर बोला यहाँ पे तो हमने रोज़ा रखा। गाइज आपने देख लिया दिन की हालत मेरी थोड़ी ख़राब थी, तो ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाए ईद तो जैसे करते हैं, तो मेरी ऐसे ही ईद होती है जैसे आपने देखा, एज यूजल मेरी ईद ऐसे ही होती है, मैं ईद के दिन बाहर नहीं जाता हूँ, तो मैं ईद के दिन घर पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। एक दो दिन में मैं फेमस जगह पे जाने वाला हूँ, कश्मीर की फेमस जगह, तो आप गेस कर लेना कौन सी जगह है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रोग्राम बनना चाहिए, इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। वैसे किसको पूछा। तो गाइस ईद के दिन ज़्यादा नहीं देखते हैं, ऐसी दबा के गाड़ी चलाते हैं, तो कोई बच्चा आए सामने तो कुछ पता नहीं चलता है, तो इसीलिए इसको मेरे हाथ से पड़ी, अब वो उम्र कट गया अब मेरे हाथ से। एक दो दिन में एक फेमस जगह मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो आई होप कि आप उसमें सपोर्ट करिएगा, इन व्लॉग में भी आप सपोर्ट करिएगा, तो इंशाल्लाह जल्दी जाते हैं, तो बस इंशाल्लाह इरादा पक्का है, तो लेके मैं जाऊंगा ज़रूर, तो बस प्रॉब्लम ना हो तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुदा हाफिज़, बाय बाय। तो गाइज़ ये देखें, ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, शायद मम्मा ने इसको आदत की है पीछे पीछे चलने की, इसीलिए पीछे पीछे आ रही है। तो यहाँ से अभी इनका टाइम हुआ है अपने अंदर जाने का, अपने रूम में, तो इसीलिए ये आ रही है पीछे पीछे। आप मुझे बोलो एक बात बोलो उमर, एक बात, अगर गाड़ी आई थी तो देखो उमर क्या भाग रहा है, तो आजा नीचे आ रहे, मैं ऊपर आऊं या आप नीचे आ रहे हो, इतना बोलो। मैं आऊंगा तो फिर हाथ उठेगा, मैं बोल रहा हूं यहां पे, अभी नीचे आजा, बात करनी है नीचे आजा, बात करनी है नीचे आजा, मुझे बात का जवाब दे, भाग मत। मैं बोल रहा हूं अगर गाड़ी आती तो कुचल के चली जाती, सुना, किसी को पता भी नहीं चलता, ऐसे फोन उठा के चले जाते हो। मम्मा जान ने क्या बोला आपको, क्या बोला आपको मम्मा जान ने।